कुछ तो बोलो यार। अरे कुछ तो बोलो यार भैया, नरेश की भी शादी है। और व्यू देख सकते हो फ्रेंड्स, क्या ही लग रहा है यार ये देख। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सभी को फिर से एक न्यू व्लॉग पे स्वागत है। कल तो क्या ही बारिश हुआ फ्रेंड्स, लेकिन आज मौसम इतना मस्त लग रहा है, इतना मस्त लग रहा है कि क्या ही बताऊं। एक बार आप भी देख लो मौसम का व्यू, क्या ही नेक्स्ट लेवल वाला व्यू आ रहा है फ्रेंड्स। तो कल क्या ही बारिश हुआ है शाम को, हवा तूफान, और लेकिन आज मौसम देख सकते हो ऐसा मौसम है फ्रेंड्स कि क्या ही बताएं। बाकी ये देख सकते हो और मस्त क्या ही मौसम लग रहा है। तो कल बारिश का हुआ है लेकिन मौसम आज मस्त है। तो चलिए कोई नहीं, माँ बोल रही पानी वानी भरने के लिए, थोड़ा पानी भरते हैं, ले जाते हैं अंदर। बाकी उसके बाद चलेंगे थोड़ा सा खेत, उसके बाद पढ़ाई भी करना है यार, पढ़ाई बहुत दिन हो गया कर नहीं रहे हैं। बाकी चलिए अभी घर पर हैं तो पानी वानी भरने लग देते हैं माँ के साथ। इधर माँ देख सकते हो क्या क्या साफ कर रही है, पानी के लिए बाल्टी वाल्टी ला रही है। तो ये देख सकते हो ऐसा। तो चलिए भरने लग देते हैं, पानी ले जाते हैं अंदर। बस माँ भरेगी उसको, अंदर ले जाना क्योंकि माँ थोड़ा नहीं कर पाती है फ्रेंड्स, तो उसको कर देते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चैनल में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। उधर माँ भर रही है पानी है, ऐसा कुछ तो अभी पानी भरने का चल रहा है। और आज माँ का हस्बैंड साथ ना गाँव जाएगी, शादी जाएगी, मतलब पता नहीं आज जाएगी शायद दोपहर में जाएगी, तो आपको ब्लॉग में पता चलेगा। फिलहाल अभी पानी भर रही है माँ, तो चलिए हम भी अभी इसको ले जाते हैं अंदर। हे गाइस, तो व्यू क्या ही आ रहा है भाई। और उधर देख सकते हो दादी भी जा रही है, और व्यू देख सकते हो फ्रेंड्स क्या ही लग रहा है यार ये देख सकते हो। सूर्य है ऐसा कुछ, और नेक्स्ट लेवल वाला व्यू आ रहा है। तो चलिए हम भी चल रहे हैं खेत तरफ, घूम के आते हैं थोड़ा देख के। हे गाइस, सर हमारे यहाँ खेत साइड देख सकते हैं, पूरा चारों तरफ पूरा गाय बैल फ्रेंड्स ऐसा कुछ, तो भगाने के लिए आए हैं, सब निकालेंगे उधर ऐसा कुछ सीन। बाकी धूप तो मस्त क्या ही लग रहा है, धूप ज़्यादा नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी ना मस्त सुहाना सुहाना वाला लग रहा है थोड़ा। और इधर गाय बैल का देख सकते हो छोड़, इधर खेत बगल में इसको पूरा निकालना है, उधर जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। हे गाइस, सर इतना प्यार से भाई भगा रहे हैं सबको, तो गाय खेत में घुस गया था, माइंड खराब हो गया था फ्रेंड्स। तो खेत को भी तोड़ ताड़ के, इतना घेरा करने के बाद भी तोड़ ताड़ के घुस जाते हैं यार, तो दिमाग ना खराब हो गया था फ्रेंड। तो उसको बनाया हुआ अभी फिर से तोड़ दिए थे, घुस गए थे अंदर, घुस रहे थे मतलब, तो एकदम माइंड खराब हो गया। बाकी उधर भगा लिए, भगा रहे हैं भाई, अभी भी भगा लिए नहीं, भगा ही रहे हैं। तो मैं अभी रुका हूँ खेत के पास, क्योंकि मैं इसको ना थोड़ा बना रहा था, तोड़ ताड़ के घुस गए थे फ्रेंड, तो बना रहा था उसको। चलिए वो लोग अभी, भाई लोग आएंगे अभी, सीधा देख सकते हो मेरा पैर की स्थिति पूरा ना मिट्टी मिट्टी हो गया है, घुसा था क्योंकि खेत में पूरा वहाँ है पानी पानी, तो पूरा घुसना पड़ा था। यही कह रहे हैं चलिए अभी घर तरफ, तो नहीं खेत की तरफ आएंगे, उसके बाद भाई लोग आएंगे फिर जाएंगे घर तरफ फ्रेंड। है गए यार देख सकते हैं माँ ना जाने के लिए पूरा एकदम से तैयारी है एकदम भाई, देख सकते हो पूरा उधर थैला वैला पूरा पैक करके रखी है, वो देख सकते हो मतलब थैला कितना टाइम का पैक करके रखी है पता है, 10-11 बजे फुल नहा धो के एकदम से रेडी। फिलहाल अभी समथिंग एक मतलब 2 बजने के समथिंग जा रहा है, और निकलना है इन लोगों को 3-4 बजे के आसपास, देख सकते हो ना एकदम से तैयार हो के। कब आबे, कब आबे माँ, कब आबे, काली आबे, अब नहीं आबे था वो का कर नंबर दूं, नंबर तो सोड़ा तो चाचा कर है ना, हाउ तो नंबर दे वो नंबर चाचा कर है ना लगाल कबे। तो देख सकते हो फ्रेंड जाने के लिए एकदम फुल एक्साइटेड है, शादी जा रही है माँ और जाने के लिए एकदम फुल एक्साइटेड। तो मुझे ही खाना पीना बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्या ही तो क्या ही करेंगे बनाएंगे। बाकी माँ देख सकते हो जाने के लिए एकदम से रेडी है, रेडी मतलब रेडी हुई नहीं है, बाकी जाने का जो मन होता है ना जाने से पहले वो वाला देख सकते हो खतरनाक सा। तो अभी थोड़ा देर में हो जाएगी रेडी वेडी, वो अभी जस्ट बाल वाल बनाई है, बाल वाल भी मतलब बनाई नहीं है फ्रेंड्स, बस ऐसी ना बस मतलब, लेकिन सुबह से रेडी होके एकदम से रेडी है नहा धो के एकदम से रेडी है, बस कपड़ा वपड़ा पहनेगी, हेयर वेयर करेगी उस मतलब पंगी करेगी, उसके बाद सीधा निकलने का ही है इनका, ऐसा है माँ का। तो देख सकते हो एकदम से ना एकदम फुल एक्साइटेड, जो जाने से पहले वो रहता है ना फ्रेंड्स जाने का जो मन, माँ मतलब फुल घूमने वाली है फ्रेंड्स। तो इसलिए यार और माँ को एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, बहुत मेहनत करके, हमारी माँ तो बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं लेकिन ना इस लायक बनाई है हमें कि हम मेहनत करके ना उनको अच्छा से अपना जो मतलब क्या बोलते हैं उनको अच्छा से रखें, हम ना उनका जीवन अच्छा से आगे का बीते। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए फ्रेंड,
बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। बस चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने माँ के लिए तो एक सब्सक्राइब कर ही सकते हो फ्रेंड। तो चलिए बाकी अभी मिलते हैं, माँ जितना टाइम जाएगी ना उतना टाइम का ब्लॉग हम आपको दिखाएंगे। हे गाइस, तैयार माँ हो गई है रेडी, देख सकते हैं ऐसा कुछ पूरा तैयारी फ्रेंड, जाने का सब चीज। काला पकड़ डल है इसमें, ये देख सकते इधर कपड़ा और टिकने के लिए क्या तो पकड़ी है, बर्तन पूरा रेडी होके एकदम से एकदम फटाक से रेडी हो गई। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम तक आता है गाड़ी। हे गाइस, फिलहाल माँ हो गई रेडी, ये देख सकते हो साल वाल भी पूरा पकड़ के फ्रेंड्स, ऐसा कुछ देख सकते हो साल भी पकड़ रही है ना, क्योंकि जरूरी है फ्रेंड्स साल यार, क्योंकि यार मौसम अभी ख़राब है, बारिश वारिश होता है तो ठंडी तो लगेगा, तो एक साल पकड़ना जरूरी। तो इधर पकड़ रही है माँ, तो चलिए इसको मम्मी को छोड़ के आते हैं थोड़ा बाहर। आही ना। हे गाइस, तो माँ को छोड़ने के बाद मैं आया हूँ भांजा को इधर घुमाने के लिए, ये देख सकते हो। भांजा कुछ बोलो यार, भांजा जी, भांजा कहाँ घूमने जा रहे हैं? तो मैं आया हूँ फ्रेंड्स इधर देख सकते हो भांजा के साथ घूमने के लिए, खेत तरफ आए हैं, इसको घुमा रहा हूँ, इसको अच्छा लग रहा है गाड़ी में घूमना, ये देख सकते हो इसको ना घुमा रहा हूँ। अभी फिलहाल जा रहे हैं घर तरफ, और व्यू भाई मौसम का व्यू तो देख सकते हो फ्रेंड्स, वाह क्या ही लग रहा है भाई। वैसे हमारा खेत पहुंच गया यहाँ पास, अभी चल रहा है यहाँ पे पूरा बांधने का काम, ये देख सकते हो इधर इधर एक रेडी है। अरे हमारे भैया जी कुछ बोलना चाहते हो? भैया क्या बोल रहे, कुछ तो बोलो यार। अरे कुछ तो बोलो यार भैया, नरेश की भी शादी है बाकी ऐसा कुछ ये देख सकते हो इधर चल रहा है, इधर बेस पड़ा है अभी डालने का बाकी है। ये देख सकते हो बाकी बांधने का काम चलता है, इसके बाद निकलेंगे। हे गाइस गुड इवनिंग, तो फिलहाल हम आए हैं हो जाना, हम आए हैं फ्रेंड फिलहाल अभी बाजार, और इधर जा रहा है भाई मार्केट, क्या क्या लें बाकी हो गया, ये देख सकते हो सारा सामान वामान लेने का काम पूरा हो गया फ्रेंड्स, बाकी घर जाना है। बहुत लेट आया यार इसलिए ब्लॉग नहीं हो पाया, तो सीधा सामान वामान लेने के बाद ही ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ सीन हो रखा है अभी बाजार का, तो अभी घर जाने के लिए निकल रहे हैं फ्रेंड्स, इधर कुछ कुछ है लेने गया है तो लेके आता है, फिर चलते हैं सीधा। चलिए फ्रेंड्स बढ़िया से देख सकते हो ऐसा कुछ सीन हो रखा है इधर का। हे गाइस, तो अभी फिलहाल घर पहुंच गया हूं मैं फ्रेंड्स, और इधर देख सकते हो दादी का थोड़ा ड्यूटी लगा है आज, ऐसा कुछ बना रही है दादी सब्जी, और तो प्याज और लहसुन काट रही है अभी, फिलहाल लहसुन छील रही है, तो प्याज और लहसुन कट करके ना सब्जी बनाएगी, अभी दादी की ड्यूटी लग गया। मैं जस्ट अभी बाजार से फ्रेंड थोड़ा लेट हो गया था, मतलब जाने में तो लेट आने का हुआ, समथिंग 7 बज रहा होगा, तो अभी अभी पहुँचा हूँ फिलहाल घर। तो चलिए अभी सब्जी वब्जी बनाने लगते हैं दादी के साथ, दादी उसके बाद मिलते हैं आपको फ्रेंड्स सब्जी। हे गाइस, तो एक पोपट हो गया यार, गैस हो गया ख़त्म, तो दादी देख सकते हो अभी चूल्हा जला रही इधर, ये देख सकते हो फ्रेंड्स। वो तो आगे भयंबर जैसे झिल्ली में बना बात, तो देख सकते हो फ्रेंड्स यार ऐसा कुछ चूल्हा जलाना पड़ रहा है, क्योंकि गैस हो गया ख़त्म, अभी जस्ट मतलब इसी में बना रही थी फ्रेंड्स दादी, गैस ख़त्म हो गया, गर्म है भाई, अभी बना रही थी इसी में दादी, अब गैस ही ख़त्म हो गया, तो क्या ही करें वाला, तो चूल्हा जलाना पड़ रहा है यार। एक कोई बैकअप के लिए तो नहीं है और टंकी, एक ही टंकी है, तो गैस ख़त्म हो गया तो ये लफड़ा हो गया। हे गाइस, यार फाइनली मैं फ्रेंड्स निकाल लिया, सब्जी दिखाता हूँ मैं आपको भी, ये देख सकते हो ये भाजी, लाल भाजी, ये करेला, मिर्च, टमाटर और अदरक लाया था, और ये बरबट्टी फ्रेंड्स, बस इतना ही लाया, और नहीं भिंडी भी लाया हूँ यार, उसको कैसे बोलूँ, बस इतना ही के लाया हूँ फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है बाकी, ये देख सकते हो ऐसा कुछ हो गया फ्रेंड्स, इतना ही सब्जी लाया हूँ बस, और कुछ नहीं है, ये देख सकते हो ऐसा, और बस अभी दादी बना रही है सब्जी, तो गैस ही ख़त्म हो गया। तो चलिए कोई नहीं, इसको निकाल ले, अब इसको रखते हैं साइड पर, एक किनारे पर रखते हैं बाकी ऐसा। हे गाइस, यार लाइट हो गया है गोल, पता नहीं कैसे क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड, ऐसे ही होते रहता है यार, दिमाग ख़राब हो गया है बाकी, देख सकते हो लाइट ऐसी कुछ इस तरह से, और दादी तो खाना वाना खा के ना सो गई मस्त से, और लाइट चला गया है, पता नहीं कितना टाइम तक आएगा, कैसा आएगा कोई आइडिया नहीं है बाकी। चलिए हम आते हैं थोड़ा गली तरफ से घूम के, क्योंकि लग रहा है घर में गर्मी, क्योंकि लाइट भी चला गया फ्रेंड, जस्ट अभी गए हैं जाने के लिए, लेकिन गर्मी तो लग रहा है। दादी दरवाज़ा खुला रहा है हवा ही, तो गर्मी है का कहते हैं, हाँ तो लाइट हो गया है गर्म, मतलब बंद, और क्या ही, चलिए आते हैं घूम के थोड़ा सा इधर से, थोड़ा गर्मी लग रहा है यार घर में, थोड़ा बाहर में मस्त शांत लग रहा है बढ़िया से।
है गाइस, तो यार फाइनली फ्रेंड्स यार रात हो गया और मैं कर रहा था फ्रेंड्स वीडियो एडिटिंग, बाकी माँ तो गई है शादी, अब पता नहीं हो कल परसों तक आना चाहिए शायद, और मैं घर में हूँ फ्रेंड्स, ये देख सकते हो मेरे बिस्तर इधर और इधर से ऐसा कुछ, तो माँ तो आज नहीं है, बाकी दादी सो गई है, मैं तो अपना वीडियो एडिटिंग का काम कर रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को भी यहीं तक रखते हैं, आज ब्लॉग तो कुछ खास नहीं था फ्रेंड्स, कोई पता नहीं शॉर्ट होगा कि लंबा होगा, कितना शॉर्ट ही होगा फ्रेंड्स, ज़्यादा लंबा नहीं तो नहीं होगा क्योंकि आज कहीं जाने के नहीं हुआ और जल्दी जल्दी में सब चीज़ हुआ, तो चलिए पता नहीं कितना टाइम का बना होगा, तो चलिए कोई नहीं, आप इंजॉय किए होगे, आई होप वीडियो को पसंद आए होगी। चलिए आज का ब्लॉग को भी यहीं तक रखते हैं, तो चलिए आज के ब्लॉग को एंड करते हैं फ्रेंड्स, आई होप वीडियो को पसंद आए होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि ऐसे ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे यार, मिलते हैं आपको जल्दी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।